सो हे गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हैं आप सभी लोग। अभी सुबह के बज रहे हैं 9 और काफी दिनों बाद आज ब्लॉग शुरू किया है। उम्मीद है आज का ब्लॉग आपको मिल जाए। शुरू रोज करता हूं लेकिन कंप्लीट नहीं होता, तो आज ब्लॉग हमने शुरू किया है। आज हमें जाना है अम्बाला, क्या पता अम्बाला चले जाएं। और बाकी बाहर का मौसम दिखाता हूँ, बारिश होने लग रही है बहुत तेज। बारिश में बैठे तो मौसम देख सकते हैं, बारिश हो रही है दबा दब दबा दब फुल। और यहाँ पे बैठी है स्नेहा, हमाली माता जी यहाँ पे बैठी हैं। आज इनको सलम आ दी है इसलिए मूल को लिया। स्नेहा यहाँ पे बैठी है और लड्डू गोपाल जी का झूला यहाँ पे है। तो अभी नहाए धोए तो है नहीं, थोड़ी देर में नहा धो लेते हैं, थोड़ा होता तैयार वगैरह हो लेते हैं। तैयार तो होने के बाद, नहा धोने के बाद, थोड़ा होता खाना खुना खाने के बाद चलते हैं अम्बाला। बाकी घर में पेंट वगैरह भी करवाना है, थोड़ा सा सिलाई आया हुआ है तो पेंट वगैरह करवाने के लिए आज वो बंदा आने वाला था, आज आया नहीं क्योंकि बारिश हो रही है इसलिए नहीं आया। तो बाकी देखते हैं, अगर वो आ जाता है तो पेंट करवा लेंगे, नहीं आया तो फिर अपना अम्बाला चलते हैं। सो गाइज, प्रोग्राम हो चुका है चेंज बिकॉज आज आ चुके हैं पेंटर वाले, तो पेंट कर रहे हैं नीचे और अम्बाला जाना हो चुका है कैंसिल। बाकी अम्बाला कुछ काम जरूरी भी नहीं था, नॉर्मल सा काम था, दवाई वगैरह लेके आनी थी। और बाकी अभी पेंट वगैरह करवा लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे। और एक घोड़ी लेके आनी है, वो घोड़ी भी ले आते हैं। घोड़ी घोड़ी वाली, दूल्हे वाली घोड़ी नहीं, घोड़ी वो वाली जिसके ऊपर वो चढ़ते हैं और चढ़ के वो करेंगे जो भी है, वो वाली घोड़ी। I'm on my own, broken and alone. I feel the rain crashing down all around this empty town. I'm searching for the lost and found, but you don't care, you're unaware. Keep moving like the scars aren't even there. It's in the air like a blazing flare. So guys, अभी बज चुके हैं दोपहर के 3:02 और अभी हम चलते हैं खाना खाने के लिए। बाकी घर से फोन आ चुका है और बारिश वगैरह तो बंद हो चुकी है, धूप निकली हुई है बढ़िया वाली। तो अभी हम चलते हैं घर को, खाना खुना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनल दोस्तों, मैं पहुंच चुका हूं घर पे और यहाँ पे मम्मी जी बना रही है खाना, नए गैस पे नया खाना। और ड्रोपी जी यहाँ पे पड़े हैं अपने मगरमच्छ की तरह, सुबह से बंधे हुए हैं बेचारे क्योंकि नीचे वो काउंट लगे हुए हैं ना, तो उसको भोंक वगैरह या काट वगैरह ना ले। वैसे काटता तो है नहीं, फिर भी थोड़ा सा डर होता है इसलिए बांधा हुआ है। तो अभी हम खाना खुना खा लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। 2 hours later. सो फाइनल दोस्तों, अभी आ चुका हूँ मैं दुकान पे और यहाँ पे खड़े हैं विक्की जी जो कि अभी करनाल कुलक्षेत्र रिंकू के साथ जाके आए हैं। तो अभी हमें लेके आना है पेंट वगैरह, तो मार्केट से पेंट उठा लेते हैं और फिर घर पे दे के आते हैं क्योंकि कल को है संडे। तो चलो चलते हैं। 5 minutes later. तो फाइनली पेंट आ चुका है, बाकी यहाँ वहाँ का व्यू देख सकते हैं, यहाँ पे कलरिंग वगैरह करवानी है सारा टोटली। 2 hours later. तो फाइनली विक्की जी यहाँ पे खड़े हैं समुंदर के, ना समुंदर के नहीं, गोवा के मजे गोवा के मजे ले रहे हैं। पानी देख सकते हो आप, गोवा ही गोवा बन गया। ओए ओए ओए, मैं खुल गया तो भैरा बंद हुआ था। ओए ओए, खुल गया। ओए ओए। सो फाइनली मैं आ चुका हूँ घर पे और यहाँ पे बैठी है हमारी माता जी क्यूट सी। 2 hours later. सो फाइनली अभी रात के बज चुके हैं 11:27 और दुकान से आके कुछ नहीं किया, बस घर वालों से बात की, टाइम स्पेंड किया और उसके बाद ये मच्छर खाने लग रहे हैं और सोने का टाइम हो चुका है। बाकी कपड़े वगैरह भी नहीं चेंज किए, तो पहले कपड़े चेंज कर लेता हूँ। बाकी आज के व्लॉग में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो, हाँ मुझे पता है छोटा बना है,
लेकिन फिर भी वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाकी मैं फिर मिलूंगा ऐसे नजर ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। सो अभी सीन ऐसा हुआ, वीडियो तो एंड कर दी लेकिन यहाँ पे एक हग्गड़ सोया पड़ा है, इग्नोर गर्ल, इसको उठाते हैं और पीछे ले जाते हैं, वहां पे सुलाते हैं, नहीं मच्छरों में हो जाएगा इसका बुरा हाल। ए चल खड़ी हो, चल चल भी, ए ए आगी मैं।